नमस्कार मणिगुरु के एक और एपिसोड में मैं पल्लवी हूँ आपके साथ। दिसंबर के महीने में हम एंटर कर चुके हैं, यानी कि साल बस खत्म होने वाला है। न सिर्फ हम अपने डिसीजंस को रिव्यू कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी रिव्यू कर रहे हैं। ऐसे में कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि नवंबर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड निवेश हुआ है। इन आंकड़ों का मतलब क्या है और अगर आपको नया निवेश करना है तो वो कहां करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मिस्टर पंकज मठपाल हैं, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ नंबर्स चर्चा में हैं कि नवंबर के अंदर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एसेट्स हैं वो एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, ऑलमोस्ट 16.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसे भी पार कर लिया। और अगर ट्रेंड देखें तो लगातार 5 महीने से इन्वेस्टमेंट्स अपर साइड पर हैं, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ब्रेकअप देखें, पहले कुछ नंबर्स पर ही नज़र डाल लेते हैं। अगर स्टैंड अलोन नवंबर में हम देखें तो लगभग 36,000 करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, लेकिन इसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन स्टिल रिलेटिवली थोड़ा कम है। आपने इन नंबर्स को देखा होगा, अगस्त 2015 के बाद हालांकि इक्विटी फंड्स में सबसे अच्छा इनफ्लो इस मंथ देखने को मिला है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान ईएलएसएस जो कैटेगरी है टैक्स सेविंग की, उसमें भी बढ़ रहा है। पहली बार इनफैक्ट मार्च 2015 के बाद हुआ है कि 1,000 करोड़ का आंकड़ा ईएलएसएस फंड्स में बढ़ा है, यानी कि एक अपर साइड पर गया है। इसके अलावा बैलेंस फंड्स में भी निवेश बढ़ा है। बैलेंस फंड्स में 3,632 करोड़ का निवेश हुआ है, जो कि साल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके उलट ईटीएफ्स में हमने देखा कि गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा निकला है, यानी कि लोगों ने गोल्ड एज एन एसेट क्लास को उतना पसंद नहीं किया है। सबसे पहली बात पंकज, बहुत बड़े इवेंट्स नवंबर के अंदर हुए, कई बड़े इवेंट्स थे जिसमें डीमोनेटाइजेशन एक इवेंट है, इसके अलावा यूएस इलेक्शन से जो आउटकम आया, बॉन्ड यील्ड्स भी लोअर साइड पर चली गई हैं। ओवरऑल आप क्या एनालाइज करते हैं नंबर्स से कि किस तरफ जा रहा है इन्वेस्टमेंट, लोगों का रुझान क्या इक्विटी के प्रति बढ़ रहा है या अभी थोड़ा समय उसमें बाकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों का रुझान टोटल म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। लोग म्यूचुअल फंड को समझ रहे हैं, जैसा पहले लोगों अवेयरनेस नहीं थी, हालांकि पहले भी सेविंग काफ़ी होती थी और इसीलिए आज जब देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट में 100 लाख करोड़ का निवेश है। इससे मालूम चलता है कि निवेश इंडिया में बहुत होता है लेकिन लोग ज़्यादा करके फिक्स डिपॉजिट में ही करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो अवेयरनेस आई है और ये जो सेबी ने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए और एएमसी को बोला कि उनको 2 बेसिस पॉइंट इसके लिए 0.02% मतलब इनको खर्च करना है अवेयरनेस के लिए, उसका काफ़ी इफेक्ट दिखाई दिया और अवेयरनेस की वजह से लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है, आज की तारीख में आप देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और जो दूसरी कैटेगरी के हैं, चाहे वो डेट फंड हो बैलेंस फंड हो, उसमें भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है। और साथ में आप SIP अगर देखें तो SIP का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में 134.5 लाख करोड़ की SIPs हैं। अगर आप 3,000 का एक एवरेज SIP पकड़ के चलते हो तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इससे मालूम चलता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोगों का विश्वास म्यूचुअल फंड में काफ़ी बढ़ रहा है और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने लोगों को वेल्थ क्रिएशन में हेल्प की है, लोगों का पैसा बढ़ा है। और ये जो घटती दरें हैं बैंक्स की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अब फिक्स डिपॉजिट और इस तरह के निवेश से बाहर निकलकर कुछ और तरह के, जिसमें उनको वेल्थ क्रिएट हो, थोड़ा टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो, उस तरह की चीज़ों में निवेश कर रहे हैं। जी, तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड में लोगों का निवेश बढ़ रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा डेट फंड्स का अगर रुझान देखें तो एक बार कुछ फिगर्स पर ही नज़र डाल लेते हैं। नवंबर में जो इनकम फंड्स है उसमें लगभग 18,000 करोड़ का निवेश देखने को मिला। वहीं अगर गिल्ड फंड्स की बात करें तो सितंबर 2015 के बाद लगभग 899 करोड़ का निवेश नवंबर के महीने में आता हुआ दिखा है। लिक्विड फंड्स में भी अच्छा रुझान रहा, लगभग 1,350 करोड़ का निवेश हुआ, लेकिन गोल्ड ETFs और अन्य जो फंड ऑफ फंड्स हैं वहाँ से पैसा निकला। तो ओवरऑल अगर ऐसे क्लासेस की हम बात करें, इक्विटी, डेट और गोल्ड, अभी क्या ट्रेंड लग रहा है पंकज आपको और आप कितने बुलिश हैं गोल्ड को लेकर? क्या आपको लगता है अभी गोल्ड में जो ऑलरेडी निवेशित हैं इन्वेस्टर्स, उनकी अप्रोच कुछ अलग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, गोल्ड पर मैंने हमेशा से कहा है कि गोल्ड एक कंजम्पशन के लिए अच्छा है। आपको अगर कुछ पहनना है गोल्ड के ज्वेलरी बना के तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन निवेश के लिहाज से गोल्ड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आप नहीं देगा। मतलब कभी एक पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है कि गोल्ड से आपको रिटर्न मिले, लेकिन ओवरऑल अगर वेल्थ क्रिएशन आपका ऑप्शन, आपका जरूरत है, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए गोल्ड आपके लिए सही एसेट क्लास नहीं है। और अब क्योंकि जैसा आपने बोला कि गोल्ड से लोग निकले हैं, उसकी वजह एक तो ये है,
कि गोल्ड में पैसा बना नहीं है और आगे बनने की उम्मीद भी नहीं है। और साथ ही जो सरकार ने अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऑप्शन लेके आते हैं, गोल्ड बॉन्ड आ रहे हैं, वहां पर भी लोगों ने निवेश करना स्टार्ट किया है। तो एक तो जो लोग फिजिकल गोल्ड से हटकर थोड़ा बहुत पेपर गोल्ड में, गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे थे, वो निवेशक अब काफी हद तक वो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करते हैं। तो एक तो वहाँ कॉम्पिटिशन हो गया, और दूसरी बात क्योंकि निवेश पर रिटर्न नहीं है तो वैसे भी लोगों ने वहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। बट मेरी सलाह अब भी यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, ज्यादा 5-10% सिर्फ एक स्टेबिलिटी के हिसाब से कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा संतुलित बनाने के लिए अगर आप निवेश करना चाहें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हर तरह के एसेट क्लास में आपका निवेश होना चाहिए, तो उसमें सोना भी एक है, लेकिन बहुत ज्यादा निवेश उसमें नहीं रहना चाहिए। ज्यादा निवेश के हिसाब से आपको इक्विटी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की आप बात करें तो इक्विटी का एसेट क्लास है जो लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न देगा। और उसमें भी आपको जरूरत है कि आप सिलेक्शन करें, डिफरेंट टाइप्स के फंड होते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किस तरह के फंड में आपको निवेश करना चाहिए। पंकज, इनफैक्ट नवंबर में 5 बड़े इवेंट्स जो कि मार्केट्स ने देखे, सबसे पहला तो डीमोनेटाइजेशन, जिस पर अभी हमने चर्चा भी की। 8 नवंबर को इसका ऐलान हुआ कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे, और 9 नवंबर यानी कि एग्जैक्टली रात 12 बजे के बाद से वो सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। हालांकि अभी भी लोग जाके पुराने नोट जमा कर सकते हैं बैंक में, 30 तारीख तक का समय है। दूसरा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिस पर बाजार की नज़र भी थी, डोनाल्ड ट्रंप का विजेता बनना, ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशन के उलट था। लेकिन इसके बावजूद मार्केट्स में अभी भी वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन स्टिल वुड यू अग्री विद मी कि अभी भी एक बुलिशनेस है, अभी भी हम बुलिश ट्रैक पर ही चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक तो बुलिश ट्रेंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है, उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी है। जब अक्सर देखा जाता है कि मार्केट जब बहुत ऊपर की तरफ पहुंच जाता है तब लोग निवेश करते हैं, बट ये समय जो है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जिन लोगों ने इक्विटी में निवेश नहीं किया हुआ है उनको निवेश करना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि ये इस तरह के इवेंट हुए हैं और ये आपने देखा है कि कभी भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे इक्विटी मार्केट, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है इस तरह के इवेंट्स के लिए, तो मैं ये बोलूंगा कि एक साथ निवेश करने की बजाय उसको स्टेगर्ड मैनर में करें। आप उसको SIP के जरिए आप निवेश करें या STP के जरिए, एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पैसे को पहले लिक्विड फंड जो कि कम रिस्क वाले होते हैं वहां पर निवेश करो, और वहां से फिर धीरे धीरे हर महीने उसको आप इक्विटी फंड में ट्रांसफर करो। तो एक साथ निवेश करने की बजाय इक्विटी में अगर आप किस्तों में निवेश करेंगे तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपका फायदा ज्यादा होने की उम्मीद है। पंकज, इनफैक्ट जो डोमेस्टिक यील्ड्स में फॉल देखा गया नवंबर में, और साथ ही जो काफ़ी सारे कट्स बैंक्स की तरफ से आए हैं जिसके चलते हमने देखा कि FDs अब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो अगर कोई फर्स्ट टाइम निवेश कर रहा है उसको कोई डेट फंड्स आप सजेस्ट करेंगे, कहाँ पर वो निवेश कर सकता है, कैसे शुरुआत की जाए? जैसे SIP की आप बात करें, उसके अपने फ़ायदे हैं और ये बिल्कुल सही समय भी है, साल का अंत है, अभी टैक्स प्लानिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स के भी अपने जो ऑप्शंस ऑलरेडी निवेशक हैं उसको रिव्यू भी कर रहे हैं, तो कुछ डिडक्शंस हो रहे हैं, कुछ एडिशंस हो रहे हैं। ऐसे में अगर नया फंड किसी को निवेश करना हो तो कुछ फंड्स आपसे हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करें हमारे दर्शकों को। देखिए, डेट फंड में भी डिफरेंट कैटेगरी होती हैं। एक अगर बहुत ही छोटे समय के लिए निवेश करना है तो वैसे में जो लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं उसमें निवेश करें। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा है, आप 1-2 साल के निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास बॉन्ड फंड का अच्छा विकल्प होता है। और बॉन्ड फंड्स में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि जो बॉन्ड की यील्ड होती है वो इंटरेस्ट रेट्स के विपरीत चलती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका यील्ड कम हो जाता है, या इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, तो ऐसे में जो डायनेमिक बॉन्ड फंड होते हैं उस पर इसका असर कम होता है। इसके लिए, क्योंकि डायनेमिक बॉन्ड फंड में डिफरेंट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड होते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप निवेश कर रहे हैं और बॉन्ड फंड से शुरुआत करना चाहते हैं तो डायनेमिक बॉन्ड फंड में आप निवेश करें, और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल डायनेमिक बॉन्ड फंड या बिरला सनलाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड आपके लिए अच्छे विकल्प हैं।
इनफैक्ट इस अगर पूरे ही समय को हम देखें अप्रैल से लेकर नवंबर तक, तो बैलेंस फंड्स के अंदर भी एक अच्छा खासा अमाउंट इनफ्लो देखने को मिला है, लगभग 18,000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो इस बार अप्रैल से नवंबर के दौरान आया है। साथ ही जो हम डेट फंड्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर इनकम फंड्स एक कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा निवेश इस बार इनकम फंड्स में देखने को मिला। ध्यान रखना होगा कि डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट इस बार डेट फंड्स के इनफ्लोज में देखने को मिला है, लगभग 1.7 लाख करोड़ का निवेश इस बार नवंबर में आया। साथ ही लिक्विड फंड्स में भी 65,000 करोड़ ज्यादा का निवेश देखने को मिला है। हालांकि अगर हम इसे लिक्विड फंड्स को इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो निवेश का जो अमाउंट है, जो क्वांटम है, दैट इज क्लोज अबाउट 36,585 करोड़। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी इक्विटी में एक्सपोजर काफी लोगों का कम है, लेकिन एसआईपी की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ बॉन्ड फंड्स के जरिए कर सकते हैं, इनकम फंड्स के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ फंड्स पर भी नजर डालेंगे, एक बार लार्ज कैप फंड्स देख लेते हैं जिनका 5 साल का प्रदर्शन अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है। फिर लार्ज कैप पर भी पंकज आपसे मैं राय लूंगी। कुछ 4 चुनिंदा फंड्स हमने ऐसे निकाले जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। SBI ब्लू चिप एक फंड है जिसमें लगभग 19.5% का रिटर्न आते हुए दिखा है पिछले 5 सालों में। मिराय एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड में भी अच्छा रिटर्न रहा है। इसके अलावा बिरला सनलाइफ टॉप 100 और रिलायंस टॉप 200, ये कुछ फंड्स हैं जहां पर 17-20% का रिटर्न देखने को मिला है। एट दिस पॉइंट क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम निवेशक हैं वो थोड़ा रिस्क लेकर लार्ज कैप्स की तरफ आगे बढ़े, या फिर उन्हें पहले स्लोली एंड स्टेडली मे बी बैलेंस फंड से शुरुआत करनी चाहिए? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट टाइम निवेशक पहली बात ध्यान रखिए कि इक्विटी फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लोग कई बार ये सोच के कि अगर पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न मिले हैं तो उसको एक बेंचमार्क बना के ये सोचते हैं कि मुझे 6 महीने में ऐसे रिटर्न मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। इक्विटी का नेचर जो है वो वॉलेटिलिटी है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। ऐसे में आप पहले ये डिसाइड करें कि अगर आपको 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए निवेश करना है तो ही आप इक्विटी फंड में निवेश करें। और ऐसे में बिल्कुल अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप लार्ज कैप में ही निवेश करें, जबकि आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप फंड हैं उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और वो नए निवेशक के लिए छोटी अवधि के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए छोटे निवेशकों को या जो छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं उनको पहले बैलेंस फंड से स्टार्ट करना चाहिए या फिर लार्ज कैप में। और मैं बोलूँगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहना चाहिए जहाँ पर इक्विटी भी हो डेट भी हो। अगर आपने कभी पहले निवेश ही नहीं किया है म्यूचुअल फंड में तो बैलेंस फंड आपके लिए बेहतर होगा। तो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स देकर आप आगे ना बढ़ें, पहले अपने गोल्स क्लियर करें कि आपको कितने समय के लिए रकम डालनी है और आप कितना समझते हैं स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को। तो डायरेक्टली नहीं निवेश कर रहे हैं आप, म्यूचुअल फंड्स के जरिए करें। बैलेंस फंड्स के कुछ ऑप्शन भी स्क्रीन पर हैं। HDFC बैलेंस फंड 3 साल का अगर हम कंपेयर करें तो 21.25% का रिटर्न रहा है। वहीं ICICI बैलेंस में भी लगभग 20% का रिटर्न शो किया है पिछले 3 सालों के अंदर। टाटा बैलेंस फंड का भी 19.95% का रिटर्न रहा है और L&T इंडिया वैल्यू फंड, ये भी एक फंड है जहां पर 19.75% का रिटर्न रहा। जैसे पंकज ने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि आप देखेंगे कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है काफी एक्सपोनेंशियल है, आपको लगेगा काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज एक फंड है जहां पर पिछले 5 साल में 30% का एनुअलाइज बेसिस पर रिटर्न देखने को मिला है। वहीं अगर DSP ब्लैक रॉक का माइक्रो कैप फंड देखेंगे तो वहां पर भी 29.7% का रिटर्न आते हुए दिखा है। मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, वहां पर भी 29% का रिटर्न रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक फंड है जहां पर पिछले 5 साल में एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 24.8% का रिटर्न रहा है। लेकिन कोई भी फंड चुनने से पहले एक्सपर्ट की भी यही राय है कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखें और कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं उस पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो पंकज, आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ सजेशंस दें कि लार्ज कैप कैटेगरी में या जिन्होंने अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न, ये तो कुछ जनरल फंड्स हमने आपके सामने रखे, लेकिन अगर आपके चुनिंदा टॉप 5 फंड्स होंगे इक्विटी स्पेस से तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए, मैं सुझाव दूंगा कि एक तो जैसे ICICI प्रोडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड है, इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और काफ़ी समय से मार्केट में है, ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये भी एक अच्छा फंड है जिसको आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ मल्टी कैप फंड भी हैं जिसमें भी लार्ज कैप एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, वो फंड मैं आपको सुझाव दूंगा। जैसे उसमें बिरला सनलाइफ इक्विटी फंड है, ऐसे एक लार्ज कैप फंड है SBI ब्लू चिप फंड, ये काफ़ी अच्छा फंड है, प्योरली लार्ज कैप फंड है, इस फंड में आप निवेश करें। फिर एक मल्टी कैप फंड अगेन ICICI प्रोडेंशियल
वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये फंड अच्छा है। ये फंड मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है। कुछ फंड आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर कभी रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे लेकिन कुछ समय के बाद नहीं होते हैं, लेकिन आप चाहे बहुत टॉप 10 में ना हो, टॉप 5 में ना हो, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि रिलायंस टॉप 200 फंड, वो भी एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, उस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह के लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स चुन रहे हैं, जो कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा समय देकर चलें, यानी कम समय में बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। कम से कम 5 साल आपका नजरिया होना चाहिए। और वहीं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, कैसे ये रिटर्न्स जनरेट होते हैं, तो आप बैलेंस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। थोड़े समय के बाद जब आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तब आप एडिशंस कर सकते हैं।